नमस्कार, मेधज एस्ट्रो के इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेधज एस्ट्रो दो प्रकार से वीडियोस रिलीज कर रहा है। एक तो जो हम लोगों के वेदों शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हैं उनको गायन रूप में अर्थ समेत हम लोग प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा ज्योतिष पढ़ने पढ़ाने का क्रम, सामयिक विषयों पर चर्चा और ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में हम कालखंड को समझने का प्रयास और जो भी पॉसिबल उपचार हैं उस संबंधों में हम लोग चर्चा करते हैं। इस बार जो गुरु अतिचारी वाला वीडियो था उस पर काफ़ी रोचक कमेंट्स आए, और मैं तो काफ़ी बीच में डिमोरलाइज हो गया था कि कोई सुनता नहीं है, मगर काफ़ी लोगों ने उत्साहजनक कमेंट्स किए हैं तो मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, और आप चाहें तो मैं हर रोज़ ही बना सकता हूँ वीडियो। मेधज एस्ट्रो मुझे ये जान के खुशी भी हुई कि मुझे बताया गया कि मंत्रों की दुनिया में मेधज एस्ट्रो में 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं जो कि एक मुकाम है। इट इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये मुकाम एक्चुअली जो है वो हम लोग तो मेधज में, मैंने ये संकल्प लिया ही है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं डेली एक एक वीडियो रिलीज़ करूँगा मंत्र के। देवी भागवत में 350 अध्याय हैं, एक एक अध्याय करके रोज़ रिलीज़ हो रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि देवी भागवत का जो मंत्र हैं जो डेली मिडनाइट में रिलीज़ होते हैं आप एक अध्याय सुनिए। नहीं सुन सकते तो अपने मंदिर में देवी के पास चला के देवी को सुनाइए। देखिए कलयुग में कलौ चंडी विनायको, कलयुग में गणेश जी और लक्ष्मी जी देवी ही हम लोगों का सहारा है, और देवी माँ हैं। देवी हमें इतना प्यार करती हैं कि देवी जागृत होने के लिए बेताब हैं, बस उनको आप जागृत करिए। और देवी भागवत से बड़ा तो कुछ है नहीं देवी के लिए। जो कुछ देवी के विषय में है वो देवी भागवत में है, और जो देवी भागवत में नहीं है वो देवी के विषय में नहीं है। तो इसी सोच के आधार पर हमने ये शुरू किया था देवी भागवत का गाना। काफ़ी अध्याय रिलीज़ हो चुके हैं, 10-15, और अभी भी रिलीज़ होंगे एक साल तक लगातार। मैं चूँकि मेधज एस्ट्रो पैसा कमाने का जरिया नहीं है और सामाजिक चेतना जागृत करने का दिल से एक सच्चा प्रयास है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ विगत कुछ वर्षों में, जब से मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया और समय को समझने के प्रयास किया पंचांग के जरिए, ज्योतिष के ग्रहों के जरिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे सत्य सामने आए मेरे जैसे मुझे लगा कि मैंने अभी तक जीवन समझा ही नहीं था। ईश्वर हमको कितना प्रेम करते हैं ये आप जब हमारे शास्त्र पढ़ेंगे अपने, उनके अर्थ को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। हम लोग जो व्यवस्थाएं लेके चल रहे हैं उन व्यवस्थाओं में ज्योतिष पढ़ना और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने ज्योतिष पढ़ने को थोड़ा साइडलाइन किया हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ 12 राशियों के नाम और 12 भाव और 27 नक्षत्र याद कर लेने से, इसको देख के अगर आप याद कर लेंगे आपको अपने बारे में वो मालूम होगा जो न भूतों न भविष्यति कभी किसी ने बताया नहीं होगा न सोचा होगा आपने। सिंपल तरीके से उन रहस्यों को, ये रहस्य हम लोगों को 114 वीडियो में जो मेधज एस्ट्रो पे हैं जो हमने पहले रिलीज़ किया था, वो 114 वीडियो में ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जो कि आप सुन के धीरे 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 अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था जिसलिए, जो कि आज का जो मैं मेन क्रम है उसके पहले, जैसा मुझे इन शास्त्रों को पढ़ने में समझ में आया
कि विष्णु सहस्रनाम व्यास जी ने लिखा, भीष्म पितामह जी ने एक्चुअली उनको लिखा था विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए। और व्यास जी ने कहा कि कलयुग में समस्त समस्याओं का समाधान विष्णु सहस्रनाम सुनने वाले का होगा। सारे ऋषि मुनि देवी देवताओं ने देवी को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पार्वती सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम जैसे देवी के मंत्रों से देवी को प्रसन्न किया, देवी को जागृत किया। स्वयं विष्णु जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव सहस्रनाम गाया। जब वो कथा आती है कि उसमें हजारवां नाम, एक एक नाम के साथ एक एक फूल वो अर्पित कर रहे थे, और आखिरी जब 1000वां नाम था तो शिव जी ने खेल खेल में वो एक फूल गायब कर दिया, तो विष्णु जी ने एक आंख अपनी निकाल के देने लगे, अर्पण करने लगे, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव सहस्रनाम भी हमने गाया है, मेधा ज्येष्ठों पे है। विष्णु सहस्रनाम भी है मेधा ज्येष्ठों पे। पार्वती सहस्रनाम भी है मेधा ज्येष्ठों पे। ललिता सहस्रनाम भी हमने गाया है, मेरी आवाज़ में है, उसका म्यूज़िक हमने खुद बनाया है हम लोगों ने मेधा ज्येष्ठों पे। हमारे ओमी भाई और सुरेश भाई जो म्यूजिशियंस हैं उन लोगों ने। अब ये देवी भागवत पढ़ते पढ़ते आखिरी में देवी भागवत के 12वें स्कंद में एक वर्णन ये आया कि सारे देवी देवता, भगवान शिव स्वयं, विष्णु जी स्वयं, सारे देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, एक मंत्र ऐसा है जिससे जिसकी सब स्तुति करते हैं, वो है माता गायत्री। और उसमें गायत्री सहस्रनाम जब मैं गा रहा था तो आप यकीन जानिए बड़ा ही मार्मिक वो समय था। गायत्री ज्ञान की देवी है, भगवान सूर्य की साधना करने वाले गायत्री साधना करते हैं, प्रातः काल, संध्या काल, मध्यान काल में जो संध्या काल होती है गायत्री देवी की आराधना करनी चाहिए। और गायत्री ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड है। तो माता गायत्री का जो ये मंत्र है गायत्री सहस्रनाम, ये मैंने अपने म्यूजिशियन भाइयों से कहा, ओमी और सुदेश भाई से, कि ये हम लोग देवी भागवत के आखिरी स्कंद तक का इंतजार नहीं करते, वो रिलीज एक एक अध्याय होता रहेगा देवी भागवत, गायत्री सहस्रनाम हम लोग अभी फिलहाल रिलीज कर दिया जाए अलग से। तो गायत्री सहस्रनाम रिलीज करने का हमने सोचा कि क्या दिन तय किया जाए, तो भाई गायत्री ब्रह्म है, भगवान सूर्य तो शिव जी की आंखें हैं, सभी देवी देवताओं की आंखें हैं, सूर्य हमें दिखाते हैं, सारे पूरा शक्ति का भंडार सूर्य हैं जिनसे सारे ग्रह एनर्जी लेते हैं और पूरे ब्रह्मांड में उनका वितरण करते हैं। तो हमने कहा सूर्य जब मकर, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे 17 तारीख को, वो एक उचित दिन होगा, क्योंकि सूर्य जब सिंह में जाएंगे तो पहला नक्षत्र ही मघा का होगा, मघा नक्षत्र। सिंह राशि में पहला नक्षत्र मघा का होता, मघा नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी हमारे पितृ होते हैं। तो हमारे पितरों को ध्यान करते हुए हमारे भी, आपके भी, हम सबके पितरों का को एक श्रद्धांजलि, उनको नमन करते हुए, आदर समेत भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए, उस दिन गुरुवार है 17 तारीख को, और मैंने कहा कि संक्रांति में जो वार का स्वामी ग्रह है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो गुरु स्वयं भगवान शिव है ग्रहों में सबसे बड़े। उस दिन से उचित कोई दिन मुझे समझ में नहीं आया। सूर्य मघा नक्षत्र में होंगे ये बहुत ही बड़ी बात होगी। मघा हमारे पितरों का नक्षत्र है, मघा रॉयल नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में प्लैनेट अगर प्रसन्न हो जाता है तो पैसा, दौलत, जमीन जायदाद, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब बड़ी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, वो आराम से लोगों को बहुत आयत में मिल जाता है। गायत्री सहस्रनाम का रिलीज होना मेधज एस्ट्रो के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक और भावनात्मक पल होगा जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सब गायत्री सहस्रनाम को इस देश के, इस समाज के, इस विश्व के कोने कोने तक इसको फैलाइए।
गायत्री सहस्रनाम पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा कई सारी पुस्तकों में, और YouTube पर भी चैंटिंग के फॉर्म में होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर मंत्र लोगों ने चैंट किए हैं, गायत्री सहस्रनाम भी चैंट किया ही होगा, वो आप सुनते होंगे। हमने इसको गाया है क्योंकि मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि हमारे गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ये कहते थे कि मंत्रों को गाया जाए, अगर गाने का प्रोविजन ना होता तो वो उस फॉर्म में ना होते जिसमें गाते समय एक भी उसकी लाइन ताल सुर मिस नहीं होता। तो गायत्री सहस्रनाम मुझे लगता है कि YouTube पे पहली बार रिलीज़ होगा जो गायन फॉर्म में होगा, जिसको गाया जाएगा जैसे हम लोग गाना गाते हैं। और आम मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ कि इसको गाने के लिए ये विधि होनी चाहिए, वो विधि होनी चाहिए, गायत्री मंत्र इस समय किया जाए, उस समय किया जाए। देवी हैं आदि देवी, आदि शक्ति, माँ ने सबको जन्म दिया है पूरे ब्रह्मांड को, उनके गाने का समय कोई हम क्या निर्धारित करेंगे, हर पल उनका है, ये शरीर उनका है, रोम रोम उनका है, ये ब्रह्मांड उनका है। मैं सबसे ये जरूर आग्रह करूँगा कि गायत्री मंत्र जो गायन फॉर्म में रिलीज होगा, अगर आप सुनिए और आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको इस दुनिया में, विश्व में, समाज में, हर कोने कोने तक पहुँचाइए, क्योंकि गायत्री सहस्रनाम की ये महिमा है कि जहाँ जहाँ ये बजेगा, आप सुने चाहे ना सुने, जहाँ जहाँ ये इसका उच्चारण होगा, जहाँ जहाँ गाया जाएगा, वहाँ वहाँ शुद्धिकरण अपने आप होता चला जाएगा, हमारे पाप अपने आप कटते चले जाएंगे। मन से गायत्री साधना करेंगे, मन से गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, या उसकी ध्वनि भी जाती रहेगी आपकी कान में, ये आपको बहुत ज़्यादा सौभाग्य लाएगा और एक ऐसी दुनिया की ओर अग्रसर करेगा जैसी दुनिया की भगवान विष्णु ने, माँ आदिशक्ति ने कल्पना की थी। भगवान सूर्य हमें प्रेम करते हैं, और कितना प्रेम करते हैं इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि घोर पापियों को भी सूर्यदेव उतनी ही रोशनी देते हैं जितनी संतों को देते हैं, उसमें जरा सा भी आधा माइन्यूट परसेंट भी भेद नहीं करते। तो 17 तारीख को सुबह 7:45 पे या 50 मिनट पे हम लोग इसको रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद मैं ये आग्रह करूंगा कि ये गायत्री मंत्र दिन में एक बार हर किसी के घर में चल जाए, सुना जाए, माँ आदिशक्ति का आप ध्यान करके एक बार गायत्री देवी को नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए इस मंत्र की ध्वनि को घर में जाने दीजिए। यकीन जानिएगा, देवी भागवत गाते गाते ही हम लोग के यहाँ बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए, माँ भगवती ने हमको ये एहसास दिला दिया कि उनको अगर हम प्यार करें, उनको हम याद करें, तो वो अपने होने की अनुभूति हमें करा देती है। तो ये गायत्री सहस्रनाम के रिलीज को लेकर बात थी। मैं ज्योतिष के विषय में भी थोड़ी बात जरूर करूँगा, क्योंकि उसके बिना वो बात अधूरी रह जाती है किसी भी मेरे वीडियो में। हम लोग जो नाम रखते हैं, इस नाम में ही सारा सस्पेंस है, नाम में बहुत सस्पेंस है। मेरा नाम समीर त्रिपाठी है, आपका नाम रिकी जायसवाल है, आपका अचिंत वर्मा है, आपका जो भी नाम हो। अब आप देखिए कि छोटी छोटी बातों का हम लोग अगर बचपन से ध्यान रखें, ये जानने के लिए पहले तो आप अक्षरों को याद कर लीजिए कि एक किस अक्षर से क्या नाम इंडिकेट होता है। तो आ, ला और ई से, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आ, ला और ई से मेष राशि है, बा, वा और ऊ से वृषभ राशि है, का, छा और घा से मिथुन राशि है, ड और ह से कर्क राशि है। ये कोई श्रोता अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि सबके लिए हैंडल हो जाए। मैं तो जानबूझ के कोई नोट्स या कुछ ऐसे बताता नहीं हूँ, उसका मात्र कारण यह है कि आप सुनिए, जो आपके ईश्वर चाहते हैं वो ज्ञान आपके पास आ जाएगा, चाहे आप ही नोट्स बना लें चाहे जैसे भी हों, क्योंकि मैं एनर्जी बॉडी का बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर और प्रमोटर हूँ। माँ और ट से सिंह राशि, प, ठ और ण से कन्या राशि,
र और ता से तुला राशि, ना और या से वृश्चिक राशि, भ ध फ और ढ से ड ड ड ढ वाला ढ धनु राशि, ख और ज से मकर राशि, ग स श और पेट कटा वाला श उससे कुंभ राशि, मतलब देखा जाए तो एस और एस एच से सिंह राशि आ जाएगी, द च थ और झ से मीन राशि आ जाती है। अब ज्योतिष में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। कोई ग्रह, जैसे ये 12 राशियां हैं, तो कोई ग्रह कहीं से या तो दूसरे बैठा है या तीसरे बैठा है या चौथे बैठा है या पांचवें बैठा है या छठे बैठा है या सातवें बैठा है। तो संबंध कितने प्रकार के हो गए, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, मतलब कोई ग्रह वहीं बैठा है जहां दूसरा ग्रह बैठा है, इसको युति कही जाएगी। दूसरा संबंध क्या है, वन बाई टू, वन बाई टू, इसको टू ट्वेल्व भी कहते हैं, टू ट्वेल्व। टू ट्वेल्व का मतलब क्या हुआ, किसी ग्रह से कोई ग्रह दूसरे बैठा है या बारहवें बैठा है। तीसरा है स्थिति 3/11, 3/11, कोई ग्रह किसी ग्रह से या तो तीसरे बैठा है या ग्यारहवें बैठा है। नेक्स्ट स्थिति क्या हुई, 4/10, कोई ग्रह कहीं से चौथे है जहां से आप रेफर कर रहे हैं और उस ग्रह, वो ग्रह उस ग्रह से दसवें है, तो 4/10। फिर कोई ग्रह कहीं से पांचवें है, तो जो ग्रह से आप काउंट कर रहे हैं वो ग्रह वहां से नौवां हो गया, तो 5/9। कोई ग्रह कहीं से छठे बैठा है तो 6/8 हो गया, मतलब जिस ग्रह से आप काउंट कर रहे हैं वहां से कोई ग्रह अगर छठे बैठा है तो उस ग्रह से वो ग्रह आठवां हो गया। गिनिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई ग्रह किसी के सामने बैठा है तो 1/7 हो गया। अब मेधज एस्ट्रो के मेरे दोस्तों, आप मैजिक देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 प्रकार के संबंध हैं, जिसमें से आप अगर देखेंगे तो 1/7 और 4/7, 1/1, मतलब 1/1, 4/10, 1/7, 1, 2, 3, इनको परस्पर केंद्र कहा जाएगा। तो क्या हो गया, परस्पर केंद्र संबंध, मतलब वन प्लैनेट इज सिटिंग इन द स्क्वायर टू द अदर प्लैनेट। यह संभव तब होगा जब कोई प्लैनेट वहीं बैठा हो या वहां से चौथे हो या वहां से सातवें हो। दूसरी स्थिति क्या होगी, 2/12, 3/11 अगर आप लिख रहे हो तो, और 6/8 और 5/9। केंद्र पांचवें और नौवें में कोई प्लैनेट दूसरे से है तो वहां से है तो त्रिकोण, तो केंद्र त्रिकोण 2/12 और 3/11, चार ही प्रकार के, और 6/8, ये 5 प्रकार के संबंध पॉसिबल हैं। अब आप इसी कड़ी में ये भी समझ लीजिए कि कोई ग्रह कहीं से उस संबंध में है तो इसका मतलब क्या है। भाई अगर हम, हमारे बगल में जस्ट कोई है तो या तो मैं उसको धक्का दे रहा हूं या वो मुझे धक्का दे रहा है, उसके धक्के से मुझे, अब वो धक्का दे रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब वो हिल रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका मतलब पीछे वाला ग्रह सामने वाले ग्रह को पुश कर रहा है। इसका मतलब 2/12 ग्रह में एक ग्रह
दूसरे ग्रह के लिए सेकेंड हाउस मतलब पोजेशंस क्रिएट करेगा और पीछे वाला ग्रह अपॉर्चुनिटीज देता है। तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स का रिश्ता हुआ। चूंकि 12वां भाव व्यय का भी होता है तो अपॉर्चुनिटी आती है, खर्च होती है और फिर रिसोर्स बनता है। अगर मान लीजिए केंद्र संबंध है तो केंद्र संबंध में परस्पर कारक माने जाते हैं, आप मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पानी आजादी दूंगा। मान लीजिए कोई ग्रह किसी ग्रह से के साथ बैठा है तो साथ बैठने में युति है, आप हमको हेल्प करो तो मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर चौथे है, देखिए इसके डिटेल में जाएंगे आगे वीडियोस में, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक भाव में इसको, मैं डिटेल इसके आगे के लेयर्स में जाऊंगा। यहीं से आप प्रेडिक्शन करके और कॉन्ट्रडिक्ट करके चैलेंज मत करने लगिएगा जैसा ज्यादातर लोग करते हैं। ये मैं सिर्फ आपके नाम को समझने के लिए शॉर्टकट में बता रहा हूं। देर आर मल्टी लेयर्स टू दिस अंडरस्टैंडिंग बट द फिलॉसफी इज द सेम। 1/4 वाला ग्रह 1/4 मतलब परस्पर केंद्र वाला ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करता है। त्रिकोण में बैठा ग्रह 5/9 इंस्पायर करता है। मतलब केंद्र में बैठे ग्रह अगर आप होंगे, केंद्र में दो राशियां हो जाएंगी जिनमें ग्रह बैठे होंगे, तो वो एक दूसरे के प्रति एक चैलेंजिंग स्थितियां रहेंगी, मगर दुश्मनी नहीं रहेगी, सपोर्ट करेंगे, बट चैलेंजेस विल बी देयर इन लाइफ। त्रिकोण में सहमति बनी रहेगी, अगर सहमति को लेकर आप एक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं एक्शन करेंगे तो सिर्फ सहमति बनी रहेगी। जैसे दो लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो साथ घूमने जाते हैं, साथ पिक्चर देखते हैं, साथ रहते हैं, मगर साथ मिलकर कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, तो उनको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती हैं, यूज करना ना करना उनके हाथ में है। जो 6/8 का संबंध है उसमें छठा भाव विरोध का भाव है और 8वां भाव अपने दोष का भाव है। तो ऐसे में क्या होता है, आदमी गलतियां करता है और उसका अपोजिशन होता है और विरोधाभासक स्थितियों में जीवन जीता है। अगर इतनी सी बात को आप दोबारा रिवाइंड करके, कई बार रिवाइंड करके, सुन के, लिख के, अपनी अंडरस्टैंडिंग से नोट्स बना के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, तो इसके बाद की बात जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत आसान हो जाएगी। अचिंत वर्मा नाम अगर आपका है तो अ से हुआ मेष राशि और व से हुआ वृषभ राशि, तो जनरली इस नाम से ये मालूम चलेगा कि इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसका ये व्यय करेंगे और उससे उनके रिसोर्सेज बनेंगे, मगर बहुत आसानी से कोई स्थितियां इनकी नहीं होने वाली हैं। इजी गोइंग लाइफ तब हो पाएगी जब ये अपॉर्चुनिटीज को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करेंगे तब हो पाएगी, मगर बुराई भी नहीं है, कोई मेजर इनके जीवन में अपहिवल नहीं है। अगर मान लीजिए कोई तुम्हारा नाम से रिकी जायसवाल है जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चा है ये भी हमारा, तो ज से हुआ मकर और र से हुआ तुला, तो तुला और मकर परस्पर केंद्र संबंध 1/4 का संबंध, मतलब इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, ये अपॉर्चुनिटीज के लिए मेहनत करके रिजल्ट लेते रहेंगे, जीवन इनका नॉर्मल एक कट जाएगा, एबनॉर्मलिटी नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा नाम हो जिसमें स्थितियां 5/9 हो जाएं, तो 5/9 की स्थितियां कैसे होंगी, या मकर हो और वृषभ हो, तो मकर से ख और ज है, तो ज से क्या क्या नाम हुआ, कोई नाम बताओ, जागृति, तो ज से जागृति और वृषभ से क्या नाम हुआ, व, जागृति वर्मा मान लो, वैसे तो इसमें क्या हुआ, जागृति वर्मा,
से क्या हुआ, त्रिकोण संबंध है। आपके पास जीवन में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, बैठे बैठाए मिलेंगी। अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ऊंचाई पाएंगे, नहीं ऊंचाई पाएंगे तो गिरेंगे नहीं, नॉर्मल लाइफ बनी रहेगी। रिकी जायसवाल में परस्पर केंद्र में क्या था, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप यूज करेंगे, परस्पर केंद्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। नाम में ही दम है कि आप करते ही जाएंगे। ट्राइंग संबंध अच्छा बहुत रहेगा मगर मेहनत करनी पड़ेगी तभी ग्रोथ होगी। 3/11 संबंध कैसे हुआ, मान लो 10 और 12 में, तो अगर मान लीजिए कि 3/3 में क्या किया जाए, जैसे र है नाम, तुला है, तुला से धनु, धनु में नाम क्या आया, भ ध फ और ठ, ध से क्या हुआ धर्मेंद्र, तो मान लीजिए र से क्या हुआ तुला, राज धर्मेंद्र, ऐसा नाम हुआ कोई नाम, या राजधर नाम हुआ, या राजधर हुआ, तो 3/11। अब देखिए राजधर नाम ये बताता है 3/11 में आप तीसरा स्थान पराक्रम का है, ट्रैवल का है, आपके एक्सप्रेशन का है। आप जीवन में जब जब ट्रैवल करेंगे, जब जब एक्सप्रेशन करेंगे, जब जब एक्सप्रेस करेंगे अपनी बातों को, आपको लाभ होगा। बिना ट्रैवल किए, बिना एक्सप्रेस किए लाभ होने की संभावनाएं कम है। मजा आ रही है बात सुन के। एक संबंध क्या बना, 6/8 का, जो कि सबसे डेंजरस संबंध है मगर देता भी यही है सबसे ज्यादा। 6/8 का संबंध जैसे मिथुन है और मकर है, तो मिथुन का क्या हुआ नंबर, नाम क, छ और घ, क से मान लीजिए कविता, और मकर में क्या हुआ ख और ज, ज से जायसवाल, तो मान लीजिए कविता जायसवाल। तो इनको ये बताया जाए कि ये अपने दुश्मन खुद हैं, ये कुछ करेंगी और अपना ही विरोध प्रकट करवा लेंगी अपनी हरकतों द्वारा, उससे दुश्मन होंगे, उससे संघर्ष करना पड़ेगा। ये एक मुंडेन लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो भाई आपके अगर बच्चे हों, नाम रखना हो तो क्या नाम रखेंगे जो बेस्ट होगा, ये भी क्वेश्चन उठता है। त्रिकोण संबंध वाले नाम रखिए, केंद्र संबंध वाले नाम रखिए, तो जीवन में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और इतिहास बनाने वाला, क्रांतिकारी बनाना है और आप उसके साथ मेहनत करने को तैयार हैं, तो 6/8 नाम वाला रखिए। जैसे मेरा नाम क्या है, समीर त्रिपाठी, स से हुआ कुंभ और त्रिपाठी, ट से क्या हुआ भाई, ट से हुआ सिंह, कुंभ और सिंह आमने सामने, परस्पर केंद्र, जो मैं कर रहा हूं उसी को कोई और करेगा, मेरे सामने ही मेरा अपोजिशन है, सामने वाला घर 1/7 में अपोज करता है, मैं जो करूंगा मेरे सामने वाले ही मुझे अपोज करेंगे, मगर फिर मैं उनका अपोज करूंगा, तो मिला जुला के एक टीम वर्क में काम होगा। 3/11 देखिए, ये बड़ी, मैंने ज्योतिष को आप लोगों से बात करके सिंप्लीफाई करके बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई रेगुलर कोर्स नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जीवन में आम शैली में हमको उतनी उतनी बातें मालूम हो जाएं, जिससे हमको जीवन जीना थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ये वीडियो मुझे लगता है लंबा हो गया होगा, ज़्यादातर लोग लंबा वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं। मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था गोचर के विषय में, कि गोचर को लेके कोई ग्रह 6 चला गया, 8 चला गया, 10 चला गया, आज वाले वीडियो को आप याद कर लीजिएगा जो ग्रहों के संबंध के विषय में मैंने बताया, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं गोचर में बताऊंगा वो दैट विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल टू ऑल ऑफ यू। मुझे रिकी याद भी दिलाना तुम कि अगला वीडियो मैं गोचर के विषय में बताऊंगा कि गोचर कब अच्छा फल देगा, कब खराब फल देगा। इसी से आपके आने वाले गोचर के, जो ये शनि का गोचर, राहु का, मंगल का, शुक्र का इत्यादि, वो जुड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच।